तुलसी महारानी की आप सब लोग सेवा करते हैं तो तुलसी महारानी का भी मंत्र बोलना पड़ेगा। वृंदाय तुलसी देव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रते देवी सत्यवत्यै नमो नमः। इतना बोल करके तुलसी महारानी को प्रणाम करना पड़ेगा। इसलिए कम से कम राधा कृष्ण के प्रणाम का मंत्र, तुलसी महारानी के प्रणाम का मंत्र, किसी वैष्णव संत महात्मा को प्रणाम करने का मंत्र, ये तीन चीज तो, तीन मंत्र तो आपको याद ही होना चाहिए। अरे दो चार दिन, दस दिन, पंद्रह दिन, बीस दिन रोज बोलते रहो, तीन नहीं तो है, रोज बोलते रहो, याद ही हो जाएगा। इसलिए कुछ चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि ये बोल करके ही हम प्रणाम करें। तब देवराज इंद्र स्तुति गाए हाथ जोड़ करके, और भगवान को दो चीजें बहुत पसंद है। क्या क्या पसंद है? माथे पर चंदन और हाथ जोड़ करके बंदन, ये दो चीज बहुत पसंद है। इसलिए माथे पर तिलक 24 घंटे होना चाहिए, मिटना ही नहीं चाहिए। और कहीं चंदन लगाए के दुकाने पर चले गए तो बोलेंगे पंडित जी आई गए, आओ आओ, हम तो पहले ही छोड़ दिए थे, आपको देखते ही डिस्काउंट कर दिया हम। इतना लाभ है बताओ, जब चंदन लगाने से इतना लाभ है तो हमको तो लगा के ही रखना चाहिए फिर। देखिए आप कहीं भी, ये देखिए इतना, मतलब कि असुरों की संख्या इतनी बढ़ गई है, इतना प्रचुर मात्रा में असुर हो गए कि कोई एक व्यक्ति चंदन लगा करके रोड पर निकल जाए तो हजारों लोगों का सर झुकने लगता है, हजारों लोगों का सर झुकने लगता है, जहां जाता है लोग बैठे रहते खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब ऐसे लोग बहुत कम हैं। जब किसी चीज की संख्या बढ़ती है तो उसका महत्व तो घट जाता है, लेकिन जब उसकी संख्या कम होती है तो महिमा बढ़ जाती है। और जैसे इस समय आम जाएंगे खरीदने, कितने रुपए किलो है? 200 रुपया 300 रुपया किलो। और लेकिन वही अभी आप जून जुलाई में खरीदेंगे 20 रुपया किलो। बस वही बात है कि अब तिलक कंठी वाले बहुत कम हो गए हैं, इसलिए लोग देखते हैं तो बड़ी श्रद्धा करते हैं, सर झुक जाता है। इसलिए माथे पर तिलक लगाने से इतना हो रहा है तो भैया खड़े हो जाओ, और पत्नी को जाओगे शॉपिंग करवाने के लिए तो 2-5 हजार तो कम हो ही जाएगा। कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही कहेगा अरे पंडित जी आपको देखते ही हमने डिस्काउंट कर दिया, हम तो आपसे कमा ही नहीं रहे हैं, वैसा ही बोलेगा। इसलिए भगवान को दो चीजें बहुत पसंद है, माथे पर चंदन और हाथ जोड़ करके बंदन। इसलिए माथे पर तिलक जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए।